टैक्सी ड्राइवर दौलत सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 माह से फरार 40,000 के इनामी को पुलिस ने देहरादून से किया गिरफ्तार। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में हिंडौन नई मंडी थाना पुलिस ने दिया कार्रवाई को अंजाम। एसपी द्वारा आरोपी पर घोषित किया हुआ था 40,000 का इनाम। हत्याकांड का मुख्य आरोपी योगेंद्र सिंह गुर्जर को टैक्सी ड्राइवर की हत्या के मामले में पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार किया। डीएसटी ओआरआर साइबर टीम भी आरोपी की तलाश में लगातार जुटी हुई थी। पुलिस गिरफ्तारी में महेश कुमार ओआरआर निरंजन सिंह की मुख्य भूमिका रही। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर गुर्जर समाज द्वारा गुद्धला में करौली हिंडौन मार्ग को किया। आज 3/2024 में एक दौलत हत्याकांड हुआ था, जिसमें ये मुख्य आरोपी था, क्योंकि श्रीमान एसपी साहब के दिशा निर्देशन पर पूर्व में भी पुलिस द्वारा कई जगह दबिश देकर इसकी तलाश की जा रही थी, पर ये कई बार तलाशी दबिश देने के बाद भी पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। वर्तमान में श्रीमान एसपी साहब के विशेष दिशानिर्देशों को इनपुट मिला था, इसमें मऊ चौक के इंचार्ज महेश मीणा द्वारा विशेष प्रयास किया जाकर इसको देहरादून से दस्तयाब किया गया है, जिसे आज हमने अरेस्ट किया है, क्योंकि ये दौलत हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और इस पर भरतपुर एसपी साहब ने पूर्व में 25,000 का इनाम घोषित किया था। इसे बाद में श्रीमान आईजी साहब द्वारा 40,000 का इनाम इस पर बढ़ाया गया था और करौली पुलिस द्वारा इस पर बराबर दबिश दी जा रही थी, बराबर इसकी तलाश की जा रही थी। श्रीमान एसपी साहब के दिशानुसार और करौली पुलिस द्वारा एक ही बड़ी कामयाबी हासिल की गई है और इस गिरफ्तारी के बाद इससे आगे जो भी पुलिस कार्रवाई की जानी है, जानकारी की जानी है, जो भी इसे दस्तयाब होना है वो हम आगे लेंगे। सर, अभी हितन उर्फ हितराम अभी फरार है? हाँ, वर्तमान में हितन फरार चल रहा है, पर वो भी जल्दी गिरफ्तार होगा। उसके भी बराबर पुलिस उस पर भी नज़र रख रही है, बराबर उसकी तलाश कर रही है। इसमें शीघ्र ही आशा करता हूँ कि करौली पुलिस को कामयाबी मिलेगी।